नमस्कार, मैं हूँ प्रिया सिंह और आप देख रहे हैं मधुबनी न्यूज। आइए देखते हैं हरलाखी प्रखंड के कुछ खास खबरें। हरलाखी थाना क्षेत्र के धपहर टोल में सर्पदंश से एक 8 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई। मृत बच्ची की पहचान मोहम्मद रहीस शेख की पुत्री नजराना खातून उर्फ छोटकी के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक बच्ची घास काटने के लिए घर से निकली थी, उसी समय बारिश शुरू हो गया। बारिश से बचने के लिए बच्ची एक फूस के घर के बरामदे में छुप गई, तभी एक विषैले सर्प ने काट लिया। स्वजन बच्ची को इलाज के लिए उमगांव CST ले गए, लेकिन बच्ची की मौत हो गई। घटना से बच्ची के परिवार में मातम का माहौल कायम हो गया। आपसी सहमति से बच्ची का अंतिम संस्कार कर दिया गया। वहीं हरलाखी थाना क्षेत्र के भारत नेपाल सीमा पर तैनात SSB 48वीं वाहिनी पिपलौन कैंप के जवान व हरलाखी पुलिस ने 1300 बोतल नेपाली देसी शराब जब्त किया है। जानकारी के मुताबिक थाना क्षेत्र के दिघिया टोल स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय के नजदीक झाड़ियों में सफेद रंग की बोरी शराब छुपाकर रखा हुआ था। इसकी गुप्त सूचना SSB जवानों को मिली। सूचना मिलते ही कंपनी इंचार्ज इंस्पेक्टर चंद्रशेखर ठाकुर एवं हरलाखी थाना के SI अरुण कुमार दुबे के नेतृत्व में अन्य पुलिस बल व SSB जवानों ने सूचना आधारित जगह पर छापेमारी की, जहां बोरियों में रखे 1300 बोतल शराब बरामद हुआ। SSB जवानों ने सभी शराब की बोरियों को विधिवत जब्त कर अग्रिम कार्रवाई के लिए हरलाखी पुलिस को सुपुर्द कर दिया। थानाध्यक्ष अनुज कुमार ने बताया कि जब्त शराब को लेकर अज्ञात धंधेबाज के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर पहचान की प्रक्रिया चल रही है। वहीं हरलाखी थाना पुलिस ने गश्ती के दौरान 150 बोतल नेपाली देसी शराब के साथ एक बाइक को जब्त किया है, जबकि धंधेबाज मौके से फरार हो गया। जानकारी के मुताबिक थाना के SI अरुण कुमार दुबे अन्य पुलिस बल के साथ गश्ती के लिए कलना चौक के से बेटोहर गांव की ओर जा रहे थे। इसी दौरान एक बाइक सवार मछली की हांडी में शराब लेकर आ रहा था। पुलिस जीप को देखते ही धंधेबाज बाइक व शराब छोड़कर मौके से फरार हो गया। पुलिस बाइक व शराब को विधिवत जब्त कर थाने ले आई। थानाध्यक्ष अनुज कुमार ने बताया कि जब्त शराब के विरुद्ध अज्ञात बाइक सवार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। उधर हरलाखी थाना क्षेत्र के कान्हरपट्टी गांव निवासी उद्गार मंडल ने हरलाखी थाना में लिखित आवेदन देकर मोटरसाइकिल से उसके पिता को जानबूझकर ठोकर मारने का केस दर्ज करवाया है, जिसमें इसी थाना क्षेत्र के इस्लामपुर हरिस्वार गांव निवासी मोहम्मद फिरोज को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। कांड में दर्शाया गया है कि बादी के पिता शिवशंकर मंडल एक माह पूर्व हुराही चौक से अपने घर लौट रहे थे। इतने में उच्च माध्यमिक विद्यालय कौवाहा के पास तेजी में लापरवाही से शराब के नशे में धुत होकर जान मारने की नियत से जानबूझकर ठोकर मारकर मोटरसाइकिल चलाते हुए गंभीर रूप से जख्मी कर दिया, जिससे ग्रामीणों के सहयोग से सदर अस्पताल मधुबनी भर्ती करा दिया, जहां चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया, जिसका इलाज अब केशव हेरिटेज अस्पताल मधुबनी में चल रहा है। साथ ही हरलाखी थाना क्षेत्र के विभिन्न गांवों में श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर उत्सवी माहौल है। उमगांव हरने सहित दर्जनों गांव में श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। गाजेबाजी के साथ गांव की महिलाएं व कुमारी कन्याओं ने इस शोभा यात्रा में भाग लिया। पूजा कमेटी की ओर से शांति व्यवस्था बनाए रखने के लेकर सदस्य मौजूद दिखे। इंडो नेपाल सीमा पर अवस्थित हरने गांव के मिलन चौक पर पिछले 8 सालों से धूमधाम से श्री कृष्ण जन्माष्टमी पूजा प्रतिवर्ष मनाई जाती है। इस बार भी कमेटी की ओर से भव्य शोभा यात्रा निकाला गया, जिसमें 108 महिला एवं कुमारी कन्याओं ने भाग लिया। मंदिर परिसर में विधिवत पूजा पाठ कर कलश शोभा यात्रा निकालकर इंडो नेपाल सीमा पर अवस्थित बेलनौती नदी में जल भरा गया, जिसके बाद मंदिर परिसर में सभी कलश को रखकर महिलाओं ने परिक्रमा की। भक्तगण DJ पर झूमते हुए इस शोभा यात्रा में भाग लिया। पूजा कमेटी के सदस्यों ने बताया कि 3 दिवसीय इस मेला में कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए हैं। इसी तरह उमगांव दीनदयाल उच्च विद्यालय के प्रांगण में भी धूमधाम से कृष्ण जन्माष्टमी पूजा मनाई जा रही है। आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।